हेरे अपरम पार तेरी माया, हेरे अपरम पार तेरी माया, तू तो के कर दे एक क्षण में, हेरे मन की सोची बनती कोया जो मानस के मन में, मन की सोची बनती कोया जो मानस के मन में, हेरे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, तू तो के कर दे कछन में, ओ मन की सोची बनती कोया जो मानस के मन में, मन की सोची बनती कोया सोची नहीं हुआ करती, जो भगवान चाहता है आदमी के साथ में वही होता है। और पहली बात में उस रावण के बारे में बताया मेहरबानों, और बताते हैं कि रावण जैसा विद्वान ना तो इस धरती पे आज तक हुआ और ना ही होगा, और उस रावण का घमंड भगवान ने कैसे कैसे तोड़ा, क्या लिखा पहली बात में सुनिएगा। चढ़ गई
दुनिया देखने आई ओ फिर छाती मरे जड़ कह दो दुनिया देखने आए फिर 101 भेंट में देके हाँ 101 भेंट में देके अग्नि करी वचन में ओ मन की सोची होती को ना जो मानस के मन में ओ मन की सोची वलती को ना जो मानस के मन और सोची कि मैं सारा राजपाट अपने बेटे राम के नाम कर दूंगा लेकिन जैसे ही बात उस रानी केकई को पता चली रानी केकई ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया सारा खेल बदल के रख दिया और तीसरी बात में कैसे क्या लिख दिया हमारे बीच में एक बहुत ही महान सामाजिक हस्ती जो समाज सेवा में रत है भाई अपना अपना इश्क होता है उनको समाज सेवा का इश्क है बड़े सतपथ पर चलने वाले 5100 रुपए एक बार और 2100 रुपए एक बार और 2100 रुपए और इनाम दे रहे हैं भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए हूँ अलर थोड़ा ही है रपे वैसे थोड़ा लिख रहे हैं जे मत तो कमाए जहाँ है कोई काली कमाई थोड़ा ही है उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले कल में वो समाज सेवा के लिए वो शक्ति प्रदान हो धन्यवाद करते हैं और 101 रुपया हमारे और आदरणीय साथी ने दिया हरियाणा पुलिस के साथी हैं धन्यवाद करते हैं थारी तनख्वाह पनखा रीक न्यू एक सुखी हु कर रहे हो और हमारे भाई अनूप खटाना जी रिठौज से वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं सभी साथियों का धन्यवाद और आप जो तालियां दे रहे हो उनका धन्यवाद आखिरी निचोड़ आखिरी बात किस तरह से कैसे सरिता कश्यप आइए और चौथी बात में पूरी रागनी
का निचोड़ कर दिया कवि ने, और एक बात बता दी कि आदमी को दान हमेशा करते रहना चाहिए और जो काम करना चाहिए वो समय पर करना चाहिए, ना कि आज और कल में समय निकाल देना चाहिए। और पूरी बात का निचोड़ कैसे लिखा क्या बताया सुनिएगा। कैसे